हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ महाराष्ट्रियन चिकन की रेसिपी। ये रेसिपी मोस्टली सातारा कोल्हापुर साइड में बनाई जाती है, जो थोड़ी सी ज़्यादा तीखी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक आँख नाक में से पानी ना आए तो नॉनवेज खाने का क्या मज़ा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया हुआ है, जिसमें हम मिलाएंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी और दो चम्मच दही। इन सब को मिला के हम इसे एक दो घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। वैसे तो इसमें पूरी मुर्गी का यूज़ करते हैं, जिसमें बोन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया हुआ है। ये है सारे इंग्रेडिएंट्स जो इस चिकन करी में यूज़ होने वाले हैं। मैं इन सब के बारे में आगे आपको बताऊँगी। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें है एक तेज़पत्ता, एक चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, 5-6 से लौंग, एक स्टार एनिस जिसे चक्री फूल भी कहते हैं, एक पत्थर का फूल, एक पीस जावित्री, एक बड़ी इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी। इन सारी चीज़ों को हम कुछ सेकंड के लिए भून के निकालेंगे। हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 चम्मच अखा धनिया, 1 चम्मच सफ़ेद तिल और 1/2 चम्मच सौंफ। इन सब को हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। एक दो मिनट भूनने के बाद में इसे हम निकालेंगे प्लेट में। अब भूनेंगे हम सूखा नारियल। यहाँ मैं 1/2 सूखा नारियल ले रही हूँ, जिसे मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है, और इसे भी अच्छा लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। 1 चम्मच तेल डाल के इसे भून लेंगे। हम इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे। अब यहाँ मुझे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा खोपरा अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकालेंगे प्लेट में। नेक्स्ट, एक पैन में मैंने 2 चम्मच तेल लिया हुआ है और इसमें ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज और अच्छी तरह से लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक ताकि प्याज जल्दी से भुन जाए। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए, इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन। ये बड़ी साइज़ का लहसुन है, इसके लिए मैंने 7 कलियाँ लहसुन की ली हुई है। अगर आपका लहसुन छोटा है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। फिर ऐड करेंगे इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और अच्छी तरह इसे 5 मिनट और भून लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज और लहसुन अच्छे से भून चुका है। इसे भी हम उसी प्लेट में निकालेंगे जिसमें और मसाले निकाले हुए हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे मसाले भून के तैयार हो चुके हैं। अभी इसके हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ सारे मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो इसे मैं एक ग्राइंडर जार में निकाल लेती हूँ और थोड़ा पानी डाल के इसके मैं एक महीन पेस्ट बना लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पेस्ट तैयार है। लेकिन ग्राइंड करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये मसाला ज़रा भी दरदरा होना नहीं चाहिए। जब आप हाथ में लेके इसको मस ले तो एकदम फाइन पेस्ट होनी चाहिए। अब बढ़ते इसके आगे की प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने हैवी बॉटम पैन लिया हुआ है, जिसमें मैं डालूंगी 4 बड़े चम्मच ऑयल। जी हाँ फ्रेंड्स, इस करी में ज़रा तेल ज़्यादा लगता है। डालेंगे 1 तेज़पत्ता और 1 छोटा कटा हुआ प्याज। थोड़ा सा नमक डाल के इसे 5 मिनट हम भून लेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सुनहरा हो जाए, इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा कटा हुआ टमाटर।
जैसे ही टमाटर थोड़े से गल जाए इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ मसाला और अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। मिक्सर के जार में थोड़ा सा मसाला रह गया था जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के लिया हुआ है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कोल्हापुरी चिकन का मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी। अब ऑब्वियसली कोल्हापुरी चिकन मसाला हर किसी के पास तो नहीं होता, तो आप यहाँ पे एवरेस्ट का चिकन मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है कोल्हापुरी चिली पाउडर जो कि काफ़ी तेज़ होती है, इसके लिए मैंने 1 ही चम्मच ली हुई है। आप अपने स्वाद के अनुसार तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम मैरिनेटेड चिकन और यहाँ पे मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मसाला नीचे से लग रहा है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ढक के इसे 5 मिनट तक रख देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे ढक्कन निकाल के मिक्स कर लेंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। याद रहे फ्रेंड्स पानी अच्छा गर्म होना चाहिए। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स मैं हमेशा खाना बनाते वक्त गर्म पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो वेज करी हो या नॉन वेज करी। और फाइनली इसे ढक के हम इतना पका लेंगे जब तक कि चिकन गल नहीं जाता। 12 से 13 मिनट बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल ऊपर आ चुका है। चलिए तो अब चेक करके हमारा चिकन गला है या नहीं। यस, चिकन अच्छे से गल चुका है और इस स्टेज पे हम करते हैं गैस बंद और गार्निश करते हैं हरे धनिए के साथ। लीजिए फ्रेंड्स महाराष्ट्र चिकन करी सातारा कोल्हापुर स्टाइल में रेडी है। आइए तो इसे डिश आउट करते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और सर्व कीजिए रायते, गर्मा गर्म रोटी और चावल के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।